सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग पे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हार्मोन्स इम्बैलेंस में। तो हार्मोन्स इम्बैलेंस क्यों होता है ना, क्या क्या चीज़ हमें इसमें फेस करनी पड़ती है, तो इसके बारे में आज बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि इस चीज़ से मैं भी फेस कर रही हूँ। तो वही मैं किस हद तक इसे ठीक कर सकते हैं अपने आप से, तो वही मैं आज आपके साथ बताऊंगी। तो आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोज को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। सो फ्रेंड, जो हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है ना, जैसे हर एक लेडीज़ में, हर एक लड़की में, छोटे उम्र की लड़कियों में आजकल ये चीज़ देखने को मिल रही है। क्योंकि मेरी भी एज कुछ ज़्यादा नहीं है, मेरी भी एज कम ही है, और मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम से फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे ट्यूबल ब्लॉकेज हो गया है ना, ओवरी में सिस्ट हो गई ना, है ना। मेरी एज अभी 25 है ओनली, और मुझे इतनी सारी चीज़ से फेस करना पड़ रहा है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है आजकल। हर लड़की को, 5 में से 3 लड़की को तो पीसीओडी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। और ये चीज़ है जो हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण ही हो जाती है। जब हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और हार्मोन्स इम्बैलेंस से हमें बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है। जैसे कि हमें हेयर फॉल होने लगता है, हमारे जो फेस होता है वो ऑयली हो जाता है, और साथ ही साथ हमारे नींद के उसमें भी चेंजेस हो जाता है, और हमारे पीरियड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जब हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमें पीरियड्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सिर्फ पीरियड्स हमारे डिले हो जाते हैं, पीरियड्स की टाइमिंग सही नहीं होती है, कभी 30 डेज में आते हैं तो कभी उससे ज़्यादा डेज बढ़ जाते हैं, उससे मंथ बढ़ जाते हैं, या फिर 15 डेज में कभी कभी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें हार्मोन्स की वजह से ही झेलनी पड़ती है। तो इसके लिए हम कुछ आसान से उपाय हैं जो हम घर पर रहकर ही इसे अपने अपने ठीक कर सकते हैं ना। तो हमारी भी कोशिश रहनी चाहिए कि हमें ठीक होना है, तो हमें कुछ ना कुछ तो अपने लिए भी करना पड़ेगा ना। तो मेडिसिन से हम कब तक चलेंगे, क्योंकि आजकल हार्मोन्स की बहुत सारी मेडिसिन आ गई है। और हार्मोन्स इम्बैलेंस होना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे जो शरीर है उसके जो ऑर्गेन्स है उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, और हमारी डेली लाइफ में भी हार्मोन्स इम्बैलेंस होना बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, क्योंकि इससे तुम्हें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताऊंगी, जब भी आप कुछ चीज़ पिए, जैसे कि कुछ चीज़ जैसे आप चाय पिए या फिर कॉफ़ी पिए, तो इसकी बजाय हमें नारियल पानी पीना चाहिए ना। या फिर हमें नारियल पानी अगर नहीं हो पाता तो हमें इसके बदले सादा वाटर पी लें, है ना, या फिर ग्रीन टी पी लें। अगर हमारी चाय पीने की इच्छा होती तो इसके बदले हम ग्रीन टी पी सकते हैं ना। हमें चाय और कॉफ़ी ये तो हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस बहुत हद तक होता है ना, बहुत हद तक इम्बैलेंस होता है, और ये हमारे जो एग की क्वालिटी है उसे भी इफ़ेक्ट करती है। तो चाय और कॉफ़ी तो हमें बिल्कुल टोटली अवॉइड करनी चाहिए, है ना। अगर हम हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो हमें चाय और कॉफ़ी की जगह हम सादे पानी का यूज़ कर ले तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। या फिर नारियल पानी हो सके तो हम कभी कभी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी में भी हार्मोन्स को लेवल में लाने के बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं ना, ग्रीन टी पीने से भी। और सेकेंड में आता है का, जब भी हम कोई डेयरी प्रोडक्ट ले तो उसे हमें बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। जैसे कि दूध, दही और बहुत सारे जो डेयरी प्रोडक्ट आते हैं, तो उससे भी हमें बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि इसमें भी हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हमारे, इसे भी डेली डेली लेने से हमारे हार्मोन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जो भी थर्ड में आता है, हमें टेंशन कम लेनी चाहिए ना। टेंशन अगर हम ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा टेंशन लेंगे और ज़्यादा डिप्रेशन पे रहेंगे, है ना, तो इससे भी हमारे हार्मोन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें टेंशन ना लेने की जगह, इसके जगह हमें ज़्यादा या तो हम योगा व्यायाम करें तो ज़्यादा अच्छा है। टेंशन लेने से कुछ भी चीज़ सही नहीं होती है और ज़्यादा बिगड़ जाती है ना। तो बस यही है, इसके बदले हम योगा करें, व्यायाम करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पानी का हमारे शरीर में कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी की कमी से भी हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। और साथ ही साथ हमें एक्सरसाइज मॉर्निंग में भी करना चाहिए एंड इवनिंग में करना, जहाँ तक हो हमें गाड़ी का यूज़ ना करके अगर हम कहीं पास में जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें पैदल जाना चाहिए ना। क्योंकि अगर हमें कुछ चीज़ ठीक करना है तो हमें उसके लिए अपना 50% तो देना पड़ेगा ना। हर चीज़ डॉक्टर, हर चीज़ मेडिसिन से भी ठीक नहीं होती, तो हमें भी अपने तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। तो जहाँ तक है तो वहाँ तक हमें पैदल जाना चाहिए, और जहाँ तक हमें वॉक करके ही, अगर एक स्थान पर हम बैठे बैठे बहुत देर तक भी हमें नहीं बैठना चाहिए ना, तो हमें थोड़ा वॉक कर लेना चाहिए, है ना।
और नींद प्रॉपरली लेनी चाहिए, कम से कम 8 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए, और जितना हो हमें अपने आप से मोबाइल और जो इस टीवी की जो लाइट वगैरह ग्रीन लाइट होती है ना, उससे हमें जहाँ तक है तो दूर रहना चाहिए। अगर हम सो रहे हैं तो हमारे हमारे पास से मोबाइल बहुत ही दूर रहना चाहिए, और अधिकतर हमें अंधेरे में ही सोना चाहिए, मतलब किसी भी टाइप की कोई लाइट में नहीं सोना चाहिए। इससे हमें जो नींद आती है वो प्रॉपर आती है। अगर हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो उससे हमारे हार्मोन्स पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो बस चीज़ें यही है कि हम अपना जो रूटीन है वो चेंज करें, तो हमारे हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईजली तरीके से सही हो सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा है तो हमें डेली एक्सरसाइज, जो मैं अभी बताई आपको, एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज और योगा करने से हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा रिलीज होते हैं ना। इसलिए हमें योगा और व्यायाम डेली करना चाहिए, और 30 मिनट्स हमें वॉक करना ही करना चाहिए, और खाने में है जो वो भी हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए है ना। और चाय और कॉफ़ी तो हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और मैं नहीं लेती हूँ, और क्योंकि इन सब चीज़ों से अगर हमारे हमारी हेल्थ बिगड़ती है तो हम क्यों लें ये चीज़ों का ना, मैं तो यही सोचती हूँ। और फिर अगर आप ये भी अगर आप ही परेशानी से जूझ रहे हैं तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और अपने खाने पीने का लाइफ स्टाइल अपना चेंज कीजिए, तो आपके हार्मोन्स है जो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियोज़ को लाइक कीजिए। आज का मेरा टॉपिक